प्रधानमंत्री जी के जम्मू आगमन एमएम स्टेडियम से कुछ झलकी। पीडीपी के मुजफ्फर बेग भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते दिखे।
चलते हैं अगले पड़ाव पर, विकसित भारत, विकसित जम्मू। चले जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी IIT, IIM, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सबसे पहले हमारे साथ है मीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। मीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं, आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं मीना जी। हाँ, देखा, देख लिया। हाँ मीना जी नमस्ते। मीना जी जरा अपने मीठे में बताइए, इस योजना के लिए उनका लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है? जब परम आदरणीय सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की परम प्रतिष्ठा के इस अवसर पर जो आपके गुरु द्वारा सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया, चूल्हा जलाने का समय बच गया, तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है? सर आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत खुशित हो जाती है और हमारी संबंधी जो समस्या है वो भी दूर हो गई। और क्या लाभ? भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। लगाते चलते मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। नहीं सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। और मैं एक अपनी कौम की तरह से विकसित भारत का एक नया शेर सुनाना चाहता हूँ। दोस्त भाई हाँ सुनाइए। मारा सिर ऊपर गोली दे गम बम कर तो
वफादारी है खून मराम यो जाने जग सारो पूरा देश आज आपको सुन रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत आशीर्वाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद आपको देते हैं सब। बहुत धन्यवाद। परेशानियों में हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे कर रहे हैं। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराश की खबरें आती, बम बंदूक अपहरण अलगाव ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। तो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती है, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देते। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे था डॉक्टर भाई, बहुत छोटी गुड़िया है, यहाँ होते हुए बहुत आशीर्वाद देता है। लेकिन इस खंड में तो परेशान मत कीजिए। कुछ समय पहले तक यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्य
देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2020 में लगातार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईएम के आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है, आईएम भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ा लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में भी एम्स की गारंटी दे दी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दी। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए, उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार और एम्स कश्मीर भी तेजी से काम चल रहा है। भाई और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 में थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के वो फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पर सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दी। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों को तक अभाव में जी रहे थे उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी। परिवारवाद,
भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ यहाँ के नौजवानों ने बिल्कुल फूट दिया। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद रखने के लिए आगे निकल रहा। हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में आ गए। यहाँ की बेटों बेटियों का जीवन अब बहुत आसान है। और जगत 3 सड़क के हटने के बाद हमारी बहनों को वह हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। कश्मीर की सुंदरता, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तैयार है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा हो गई। और कई गुना बढ़ने वाली पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनाने वाले। भाइयों बहनों, बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है क्या होता है, तब सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आते हैं। भारत गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसे अनेक सुविधाएं दे रहा है। इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। इससे अर्थिकार उत्सव को उसका स्वागत करें हम। सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल के ये विकास उत्सव हमारा देश चमक रहा है। जम्मू कश्मीर की रोशनी देश में पहुंच रही है। शाबाश मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मोदी आए हैं वो बहुत कम लोगों को आए दुनिया में, ये कम्युनिकेट करते हैं, दिल से खुल के बात करते हैं और इनकी मेमोरी इतनी तेज है। आपको लगता है कि उन्होंने आज कहा कि नॉर्मल सी आई है, रिटर्न आया, पीस आया, सारी दुनिया को मालूम, सब दुनिया को मालूम है मिलिटेंसी खत्म हो गई, कहाँ रही और जो मिलिटेंसी कराते थे उनके मुल्क को देखो, जरा उस मुल्क की तरफ देखिए क्या हालत हो गई है। एक पाउडर नहीं मिलता था वहाँ अस्पताल में, मैं तो गाउन का रहने वाला हूँ। हम दोनों कश्मीर के हैं, कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ पीस आया, आपको लगता है कि उनकी बोल्ड इनिशिएटिव को लेना चाहिए? बोल्ड द पैशन, इसमें सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमदर्दी। आप जानते हैं ना परिवार से क्या मुराद है। नहीं, क्या आप उसको मानते हैं कि यहाँ परिवारवाद था, क्योंकि आप भी तो उसमें रूल में थे। नहीं, आप उस रूल में थे, परिवारवाद के रूल में। नहीं, परिवार में कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर नहीं,
पीडीपी का भी उसका नहीं, 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 वो कोई। अच्छा।